कि हमने भी बहुत दफा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूरी की। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज तेरा इनकार ना करें। आमीन। ऐ मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात आई आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जिन पर भी हो और इस तरह अपने घर सारों को बचते हैं तो हमारे घर से हमें बख्श और हम आजमाइश में होने के लिए बल्कि हमारी संचार हमें हो। नाम के मरियम खुद फजल खुदा हम तेरे साथ है, तू और तो मैं मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम सब मरियम खुदा की मां, हम तुम्हें हर उपवास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, रहम की मांदारों के रूप में सागिना करती है। हम गुनाहगार को आज से दुआ कर
और पर हमारी मौत के बाद आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूह के अनस से हराम रहे।
तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। स्लीप के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाप मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पूंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श ताकि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ईमानदारों की रोहे तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं,
हम आज तक नेकी का कोई फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। तेरे साथ है, तू और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मैं हूँ ईमानदारों के रूह। ताकि कुछ जल्दी चले, लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती और वह जलम के सबब तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन, हम तो तीन बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें फजल बख्श कि हम भी कभी गुनाह की हालत में परे ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरे उतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इकरार करके उठ खड़े हो जाए। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और
तेरे पेट को आप फल यसु हम पर रहम कर ऐ खुदावन मरहूम ईमानदारों की रूहें मेरे अजीज बचाने वाले तो मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबाब बहिष्ट का दरवाजा बंद था, बाकी हमेशा का दुख दोजख में हमारे लिए तैयार था, लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का जामन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा, तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी जिंदगी
तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम है मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरत में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर खुदावन, मरहूम ईमानदार की रूहें। हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है।
हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात जिसकी खातर तूने अपनी जान कुर्बान की वो हमारा बड़ा फिक्र हो। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बदरवश से बाज आए और ज़िंदा रहे? हमारे लिए आज की पहली तलावत हिज़कियाह नबी की किताब 18वां बाब 21वें से 28वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद यूँ फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल और सदाकत का काम करने लगे तो वो बिल ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई ख़ताएँ उसके ख़िलाफ़ मंसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो ज़िंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और उसमें नहीं कि वो अपनी रवर से बाज आकर रजू कर ले और ज़िंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब ना होंगे, वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। आए इसराइल के घराने सुनो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें ना रास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपने गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपनी तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर लिया, इसलिए ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो।
परमात्मा की रूह अंदर से पीछे जाती है। इकलौता बेटा देखी है जो जेताया निजान, इकलौता बेटा देखी है जो जेताया निजान। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकदस बमुताबिक मुकदस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पांचवें बाप में से उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों से कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी सलामती फकीयों और फरीसियों की राशि से ज्यादा ना होगी। तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करेगा अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। जो कोई उसे अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावर होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़ और चला जा। पहले अपने भाई से आकर मेल कर और फिर आके अपनी नजर गुजरान। जब तक कि तू मुदई के साथ है तो राह में जल्द उससे मेल कर, तो ना हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे प्यादे के सपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करे हरगिज ना छूटेगा। अंजिले पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। हम अपनी मुनाजात खुदा बाप के हजूर पेश करते हैं। आज दुआ करते हैं पापा आजम के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा उन्हें अच्छी सेहत से नवाजे, जिंदगी दे, ताकि यीशु की अंजील की मुनादी करते रहें। अजीजों दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं रोज़ों के अय्याम में खुदावंद खुदा हमें ईमान की मजबूती अता करे, ताकि हम रोज़े, रियाजत, तब्दीली, नेकी और भलाई के काम करने के ज़रिए हमेशा खुदावंद खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा कर सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करते हैं आप सबों के लिए जो बड़े ईमान के साथ दूरों नजदीक से आए हैं, ताकि इन 14 मकाम की इबादत में शामिल होकर यीशु के दुखों में शामिल हों और अपने रोज़ों में रियाजत करते हुए दुआ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अजीजो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारे पनाह और ताकत के तमाम सो चश्मे जो दुआएं तरीकलीसिया की तो इस्तिक्लाल के साथ मांगती हैं, तुमने सुन और कबूल कर इनका सम तक पहुंचे, मसीह खुदावंत के वसीला से आमीन। नजराने का गीत गाया जाएगा। बड़ी अकीदत के साथ हम अपने अधीन नजराने खुदा बाप के सुर पेश करते हैं, जो मोमिनीन अपने साथ खानदानी कार्ड्स लाए हैं कार्ड्स पेश कर सकेंगे। मालिक कौन मकाम तुझे मुबारक है, तुम प्यार से रोटी बख्शे, जमीन और हमारे हाथों की मेहनत के फल जिंदगी की रोटी बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक। मालिक कौन मकान तुझे मुबारक कहते, तूने अपनी प्यासे में मैं बख्शी, जमीन और हमारे हाथों की मेहनत की ये फल जिंदगी का प्याला बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक है।
सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल को। अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ कादर मुतलक और रहीम खुदावंद खुदा, हमसे राजी होकर इन नजानों को कबूल कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक हम तेरे पास लाते हैं। तेरी शफकत के इसार में हमें रहाई दिला। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप क्या मार वक्त और खर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो जिस्मानी रोजों से हमारी बुरी ख्वाहिशात को दबाकर हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अनायत करता है। मसीह खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत फरिश्तों और मुकद्दसों के जमायत समेत यूं कहते हुए तेरी हम्द सना के गुन गाते हैं, कदूस 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 खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कुदूस से, तू पाक है, पाक से तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाकर को भेज ताकि नजाने पाक और मुतबरी को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाह की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे क़यामत का इकरार करते हैं। पस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इससे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूल कुदस की तासीस से आपस में एक हों। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद को साथ ही मुर्गानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन, अपने सब खादमों को याद कर, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैले से कामिल मुहब्बत अता फरमा। हमारे इन बहनों भाइयों पर भी नजर का जुटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं,
नहीं इस तमाम मरहूमों को याद कर उनका प्रोशन में कबूल फरमा। हम तो मिन्नत कतम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक मां कुमारी मरियम मुबारक रसूल सब कदसों के साथ जो मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द सना कर सकें। उसी के जरिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूल कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजिम शिया है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आयम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीक़े से दुआ मांगे जो खुद खुदा ने हमें सिखाई है। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक मना जाए तेरी बात शाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामत छोड़ जाता हूँ मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर सो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो आप पर भी हो हम एक दूसरे से सलामती चाहें खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बेटे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बेटे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बेटे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत कर। तो ये है खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है मुबारक है आप जिस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। और मसीह का पाक बदन रुकून हमें हमेशा जिंदगी के लिए महफूज रखे। सब तशरीफ रखें पाक शाकत का वक्त है। Thank you.